राधे राधे। मैं करमवीर अनुरागी आपका आपके अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडी दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। ये जो जानकारी है हर किसी के काम आने वाली है। हर परिवार, हर सदस्य और हर दर्शक और जो भगत लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, आप उनको भी बताएंगे तो उनको भी लाभ पहुंचेगा इस जानकारी से। करना क्या है आपको? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। किसी को बीपी की समस्या है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी को कोई मानसिक टेंशन है, किसी के घर में लड़ाई हो रही है, किसी घर में झगड़ा हो रहा है, किसी को धन की हानि हो रही है। कहने का मतलब ये, हर इंसान चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी संकट से, किसी न किसी समस्या से जूझ ही रहा है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो? कोई ऐसा उपाय हो, कोई ऐसा मंत्र हो, कोई ऐसा तंत्र हो जिनसे इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो मैं वो समस्याओं का समाधान आपके लिए लेकर आया हूं। क्या करना है आपको? आपको श्री बांके बिहारी, श्री नारायण, श्री राधे कृष्ण का स्मरण करना है। कुछ नहीं करना। जो लोग भगवान का नित्य जाप करते हैं, पूजन करते हैं, उनको कोई संकट नहीं आता। आपको ना दीपक जलाना है, ना धूप पत्ती जलानी है, वो आपकी श्रद्धा है। आप भगवान को पूजन जिस तरह से करना चाहते हैं, पंचोपचार से पूजन करना चाहते हैं, या आप जैसे आपकी श्रद्धा हो, दीप जलाएं, धूप जलाएं, फल चढ़ाएं भगवान को, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसा आप पूजन करेंगे वैसा लाभ होगा आपको। मैं आपको नाम जाप के लिए कह रहा हूं। आपको क्या जाप करना है? भगवान नारायण के नामों का आपको स्मरण करना है। उससे क्या होगा? आपके सारे संकटों का समाधान स्वयं ही हो जाएगा भगवान की कृपा होने से। भगवान के वैसे तो अनेकों नाम हैं, आप किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं, मगर उनमें से मैं आपको सिर्फ तीन नाम बताऊंगा जिनका जाप करने से आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपकी सारी बीमारियों की, जो बीमारी ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी हैं, उनमें भी आपको चमत्कारी परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको करना है क्या है? प्रतिदिन 108 बार नारायण नारायण नाम का जाप करना है। इसमें कोई आपको विधि विधान नहीं है। इसमें ये नहीं कि आपको कहीं जाना है आना है। जब भी आपका मन करे, माला से जाप करना चाहते हैं तो प्रातकाल उठ के जाप कर लें, सायकाल जाप कर लें पूजन करने के बाद। और आप पे इतना भी समय नहीं है तो आप कहीं, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई नौकरी है, और आप खाली समय में जब भी खाली हो तब भी आप भगवान का नाम का स्मरण जाप कर सकते हैं, मन ही मन कर सकते हैं। जरूरी कि आप बोल के करें नारायण नारायण, मन से भी करेंगे तो ईश्वर को सब कुछ आपके भाव का पता लग जाएगा। दूसरा नाम है गोविंद। गोविंद नाम भी भगवान को बहुत अति प्रिय नाम है। जो भी गोविंद नाम का जाप करता है भगवान उसके सारे संकट दूर कर देता है। गोविंद नाम भगवान श्री कृष्ण को माँ सुरभि ने दिया था। तो आप गोविंद नाम का अगर जाप करते हैं तो आपके सारे संकट भगवान कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको कोई भी कष्ट नहीं आने देते। तो जिनको भी कोई परेशानी है तो वो गोविंद गोविंद नाम का भी जाप या माला से जाप कर सकते हैं या बोल के कर सकते हैं। कोई अगर आपका घर का सदस्य, माता है, पिता है, बीमार है और वो बोल सकता है तो वो लेटे लेटे ही गोविंद का नाम जाप कर ले, नारायण नारायण का नाम जाप कर ले। आपको दवाई से ज्यादा लाभ होगा। दवाई भी खाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना इलाज ना कराइए, आप डॉक्टर को मत दिखाओ, सब कुछ करिए, मगर भगवान का नाम अगर आप जाप करते हैं, जो भी आप दवाई लाते हैं भगवान को समर्पित कीजिए, फिर देखिए आप उस दवाई का जब सेवन करेंगे तो आपको जो लाभ मिलेगा वो चमत्कारिक होगा, वो परिणाम अद्भुत होगा। मगर क्या करना है? विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है। आप गोविंद का नाम का भी जाप नहीं कर सकते तो सबसे आसान राम 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 ही जाप कर लो। आप
राम का नाम ऐसा है कि आप अशुद्ध हो, पवित्र हो, कैसी भी अवस्था में हो, राम के नाम के जाप में कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी रोक नहीं है, माला नहीं है, बिना माला के भी जाप कर सकते हो, चलते उठते बैठते आप किसी भी तरह से राम नाम का जाप करेंगे तो आपके सारे संकट प्रभु श्री राम हर देंगे। तो ये तीन नाम हैं, अगर आप इनका जाप करते हैं या इनमें से किसी एक का नाम का भी जाप करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो इस अगर आपको खुद आप करके देखिए, अगर आपको लाभ होता है तो अपने मित्रों को बताइए, उनको भी लाभ होगा। और इस वीडियो को अगर आपको लाभ होता है तो हमें भी कमेंट करके बताइए कि हमने आपके इस आपने जो नाम बताया था भगवान श्री राम का या नारायण का या गोविंद का, हमने जाप किया, हमें लाभ हुआ। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग जुड़े हुए हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में मित्रों में शेयर कीजिए जिससे इस चीज़ का लाभ उन लोगों को मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाभ भी उठाएंगे और हमें भी बताएंगे कि आपको किस बीमारी में किस समस्या से समाधान आपको इस नाम का जाप करने से मिला। तो आज तब तक के लिए राधे राधे।